बधाई फिल्म इंडस्ट्री को, पूरे भोजपुरी परिवार को, कि एक लंबे अंतराल के बाद आफ्टर वन ईयर पूरा 2020 चूँकि एक महामारी से जूझा आदमी आज भी थोड़ा बहुत जूझ ही रहा है, तो इतने बड़े महामारी से थोड़ा बहुत जो हम लोगों को एक रियायत मिली, जो पूरे ऊपर वाले के आशीर्वाद से आम जीवन आम स्टाइल में जीने का मौका मिला, वो हमें अगर भोजपुरी सिने अवार्ड भइल बा ग्रीन सिने अवार्ड को, उनके पूरे जितने भी उस अवार्ड को करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं जैसे पांडे जी हैं, सबको दिल से बधाई कि पूरे भोजपुरी परिवार को एक जगह आप जुटाए, सबको लाए। और आप इनको जानते हैं? हाँ, ये आकांक्षा दुबे जी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। हम लोग देखा तो बहुत ज़्यादा हिट था। हाँ, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, पूरा भोजपुरी परिवार का आशीर्वाद बा कि एगो गाना हमारा जो उनकी वर्ल्ड वाइड कंपनी से आई बा राजा तू तो जवान हम लड़का, वो गाना में जवान ये है और मैं लड़का हूँ। अच्छा ठीक है, आकांक्षा दुबे जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी सराहना हो रही है, और स्पेशली इस गाने से इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलरिटी मिला, पब्लिक सिटी मिली और बहुत ज़्यादा बिल्डअप मिला है। इसके लिए जो अपने ऑनर हैं वर्ल्ड वाइड कंपनी के रत्नाकर सर और वर्ल्ड वाइड कंपनी के सबको दिल से धन्यवाद। थैंक्स टू यू राकेश जी जिन्होंने मुझे इस गाने में मौका दिया कि नहीं ये गाना इनके ऊपर शूट करेगा, तो इन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया, तो मैं इनको बहुत ही धन्यवाद बोलूँगी, दिल से धन्यवाद बोलूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको कि आपने इस गाने को अपना समझा और आपने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आर्टिस्ट चाहे काम कोई भी हो, जब हम दिल से और लगन से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हमें 100% मिलता है। और थैंक यू हमेशा ऑलवेज एवरी डे एवरी टाइम जो हमें सुनते हैं, जो प्यार आशीर्वाद देते हैं, पूरा भोजपुरी समाज, पूरा भोजपुरी दर्शक। 2021 में राकेश जी की कौन कौन सी प्रोजेक्ट आ रहे हैं? सबसे पहले तो राजा जाई ना बहरिया 2 जो कि रिलीज हो चुकल बा, और 70-80 लाख क्रॉस भी बा। एक होली के महीना आता तो होली के गाना ऑलरेडी रिलीज हो गया बा, राजा रंग डाली ना भितरिया, वो हिट चीज़ का सीक्वल है तो वो लोगों के बीच में है, लेकिन और भी बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट रेडी हैं और उम्मीद है कि कुछ अलग सुनने को मिलेगा। फिल्में कौन कौन सी आ रही है? फिल्में अब जितनी लॉकडाउन में रुकी पड़ी थी वो सब रिलीज तो होगी, ऐसे में 8-10 फिल्में हैं तो उन सबका ट्रेलर, जैसे ठग राजा का फिल्म पूरी रेडी हो चुकी है, तेवर रेडी हो चुका है, उसके बाद प्यार का बंधन रेडी हो चुका है, तो ऐसे फिल्में जो रेडी हो चुकी है अब वो फ्लोर पे आएंगे, आई मीन नेक्स्ट मंथ। पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है खेसारी जी के साथ में फूल लेके, पिछले हफ्ते भर से एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है खेसारी जी के साथ फूल लेके, क्या दर्शक क्या समझ रहे हैं? हाँ तो ठीक बा, मान लो कि जब दू गो कलाकार जब भाई के नाता मिले ले, जब प्यार दुलार बढ़ेला, जब मान सम्मान मिलेला तो अच्छा लगेला, और इस दर्शक बंधु भी चाहता रहे हमनियों का, हमेशा अपना इंडस्ट्री में प्रोफेशन अलग बा लेकिन काम भइला के बाद एक परिवार के नाते हमनिक हमेशा मिलना जुलना होके के चाहिए और सभी में होके के चाहिए। राकेश जी इसका मतलब लोग ये समझ रहे थे जो फोटो वायरल हुई उसके बाद माना ये जा रहा था कि एक फिल्म ऐसी होगी जिसमें खेसारी लाल यादव और राकेश मिश्रा एक साथ पर्दे पर धमाका करने वाले हैं, क्या ये बात सच्ची है राकेश जी बताएं? आपको प्रणाम, आप हम लोग के फेवरेट बड़े भाई हैं और आप सबको बहुत प्यार से इंटरटेन करते हैं, आई मीन कि कुछ भी हो सकता है, हम ग्लैमर इंडस्ट्री में है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ पे मोहर ग्लैमर में लगता नहीं है जल्द, कुछ भी हो सकता है बट अभी कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर जब हो सकता है तो बोला क्यों नहीं जा सकता राकेश जी? नहीं क्या ये आपको कहा गया कि भाई आप बात नहीं करेंगे इस पिक्चर के बारे में, राकेश जी बताएं? नहीं नहीं, अभी क्या है कि कोई भी चीज़ें अगर आप किसी भी तस्वीर को या किसी चीज़ को लेके आप कयास लगाएंगे तो उसके भी एक मालिक होते हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी एक टेक्निकल टीम होती है तो उनका एक अपना डिपार्ट होता है, तो उस चीज़ में एज ए आर्टिस्ट हमारा काम है कि जब हम काम कर लेते हैं तो हमें अपनी चीज़ों को बोलनी चाहिए। मतलब तस्वीर का एक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, मतलब वो तस्वीर एक पिक्चर का हिस्सा आपने मानी है बात अभी? मैं हिस्सा उसा नहीं माना हूँ, मैंने ये बोला कि चीज़ें हो सकती है भविष्य में, ग्लैमर इंडस्ट्री है, चीज़ों को आप समझिए। थैंक यू सो मच।